दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेजी पे के बारे में। लेजी पे ने मेरा लिमिट को इंक्रीज कर दिया है, क्या आपका भी लिमिट इंक्रीज हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो पूरा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, सो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेजी पे का पैसा अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं, कुछ ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइटें आई है, आप अगर बैंक में लेते हैं तो आपको 7-8% चार्ज देना पड़ेगा, वो भी 15 दिवस के अंदर आपको पे भी करना पड़ेगा। तो लेजी पे का जो सिस्टम है बहुत अलग है और इसको बैंक में ना ले तो अच्छा है, क्योंकि बैंक में लेने से आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लेजी पे ने मेरा जो लिमिट है, पहले मेरा लिमिट 3500 रुपए था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 3500 रुपए था, फिर लेजी पे ने मेरे लिमिट को 500 रुपए और इंक्रीज करके 4000 कर दिया है। तो शायद मैं इस चीज से खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेजी पे यूज भी नहीं करता हूँ, कभी आज तक मैं लेजी पे को यूज नहीं किया हूँ, ना बिल पेमेंट ना रिचार्ज के लिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम पहले मैंने ट्राई किया था और मुझे ये इतना लिमिट दे दिया गया। क्योंकि देखिए लेजी पे में नुकसान क्या है, अगर आप लेजी पे यूज करते हैं तो आपको लिमिट तो मिलती है, बट काफी लोग इसमें यूपीआई सर्विस है, स्कैन करके आप बैंक में ले सकते हैं, बट 15 दिन के लिए लेकर क्या करोगे, अगर आप पे नहीं करोगे तो काफी आपको दिक्कत होगा, आपके सिविल में इफेक्ट भी आ जाएगा। तो लेजी पे मेरे हिसाब से एक प्रकार से सही भी है, जिसको पैसे की बहुत दिक्कत है तो उनके लिए सही है, जिनको पैसे की दिक्कत नहीं उनके लिए तो उतना सही मैं नहीं मानता हूँ। बाकी ये 500 लिमिट इंक्रीज पर कोई बात नहीं है, क्योंकि 500 इन्होंने इंक्रीज किया है और मैं इसे यूज नहीं करता हूं। यहाँ पे आप लोग देखो, अभी मुझे स्कैन पे का ऑप्शन नहीं मिला है, जो यूपीआई सर्विस है, अभी ये बोल रहे हैं कि हम आपको नोटिफिकेशन देंगे अगर इसके लिए आप उपलब्ध रहेंगे तो। बट मैं आपको बता दूं कि अभी जो है काफी लोग को मिल गया है यूपीआई सर्विस, लोग पैसा बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 15 दिन का सिस्टम बंद कीजिए। अभी एक अपडेट देखने को मिल रहा है लेजी पे में कि आपको 30 दिवस का टाइम मिलेगा, बट कब तक मिलेगा ये कोई बता नहीं सकता है। बाकी जो लेजी पे की बात करूं तो लेजी पे से आप जोमेटो में, स्विगी में खाना ऑर्डर कर सकते हैं, बिल पेमेंट, रिचार्ज, स्काई और भी कुछ वाउचर भी ले सकते हैं। काफी ज्यादा अपडेट आ चुके हैं लेजी पे में, यहाँ पे आप सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं और काफी चीजें लेजी पे ने यहाँ पे बदलाव किया है। यहाँ पे लेजी पे की बात करूं तो लेजी पे ये जो फ्लिपकार्ट, एमेजॉन पे लेटर है उससे नीचे आता है, क्योंकि लेजी पे का जो सिस्टम है बहुत अलग है। एमेजॉन पे लेटर मेरे अकॉर्डिंग सबसे नंबर वन है, क्योंकि नंबर वन इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई सामान परचेस करते हैं, वन टाइम पेमेंट में कोई चार्ज नहीं लगता है, अगर आप EMI में कन्वर्ट करते हैं ना कोई प्रोसेसिंग फीस, ना कोई इंटरेस्ट, ओनली कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं अलग से, बट उसे हम नहीं मानते हैं। और आप आसानी से अगर 10,000 रुपए का सामान है तो आप उसे 12 मंथ के लिए EMI में ले सकते हैं और आप मंथ बाय मंथ पेड करो। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से एमेजॉन पे लेटर से, जो एमेजॉन पे लेटर है वो कार्ड से ऊपर निकलता है। क्यों? देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हर मंथ आपको GST लगता है अगर आप कोई सामान EMI में कन्वर्ट करते हो तो, और एमेजॉन पे लेटर में कोई भी आपका अमाउंट को हर मंथ GST नहीं लगाया जाता है, वन टाइम की बात होती है। अगर आपका बता दिया गया कि आपकी EMI 1500 मंथ बनेगी तो 1500 ही रहेगा, और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है 1500 के बाद उसमें कुछ GST भी जोड़ते हैं मंथ बाई मंथ। तो मेरे को एमेजॉन पे लेटर बहुत यूजफुल लगा, मैं काफी टाइम से एमेजॉन पे लेटर यूज कर रहा हूँ, मेरे पास हर बैंक कार्ड है, मैं कार्ड न यूज करके आसानी से अपना ले एमेजॉन पे लेटर यूज करता हूँ, क्योंकि बेनिफिट मिलता है और शॉपिंग अच्छा खासा मैं कर लेता हूँ। आपको कैसा लगा? और मैं लेजी पे की बात करूं तो लेजी पे का लिमिट किसका इंक्रीज हुआ मुझे कमेंट में बताना, और क्या आपको लेजी पे अच्छा है, क्या एमेजॉन पे लेटर अच्छा है, या फ्लिपकार्ट पे लेटर है, या पेटीएम पोस्टपेड, कौन सा आपके लिए अच्छा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।